हे गाइस, वेलकम बैक टू सुनीता फूड एक्सप्रेस ब्लॉग में। तो गाइस, आप सभी को तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो तीज स्पेशल के लिए मैंने बनाया बहुत ढेर सारी मिठाइयाँ और बहुत ही यूनिक मिठाई बनाए हैं। आप यकीन नहीं करोगे, आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा बहुत यूनिक मिठाई। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। मिठाई बनाया जाए तो उसके लिए मैंने लिया 2 कप सूजी, थोड़ा ड्राई फ्रूट कट कर लिया, 2 कप मैंने नारियल का बुरादा लिया है। अब हम इस पर 2 कप दूध ऐड करेंगे। अगर आपके पास कच्चा नारियल हो तो बहुत अच्छा बैटर है, उसको आप ग्रेट कर लीजिएगा, और कच्चा ना हो तो सूखा नारियल लेके उसको पीस लीजिए। फिर यहाँ पर मैंने 2 कप सूजी है जो लिया, तो उसको ऐड कर देंगे। सब कुछ सिमिलर होना चाहिए, 2 कप सूजी है तो 2 कप दूध, फिर 2 कप चीनी, इस तरीके से पूरा बराबर होना चाहिए, नाप तौल का आप ध्यान रखें। फिर धीरे धीरे इसको चला लेना है और लो फ्लेम पे पकाना है गाइस, क्योंकि सूजी है तो ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है। और ये जो हमारा हम आटा बनाएंगे इसमें गुठलियाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए, तो आप इसको कंटिन्यू चलाते रहें। अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। फिर चीनी ऐड करने के बाद उसको बहुत अच्छे से चलाते रहना है, चलाना चलाते ही रहना, बंद नहीं करना है। फिर यहाँ पर हम डाल देंगे 2 से 3 बड़े चम्मच फ्रेश मलाई, घर का मलाई घर में हमेशा अवेलेबल रहता है। अब इसको चलाने के बाद लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़े चम्मच देसी घी। इससे क्या होगा, हमारा जो डो रेडी होगा बहुत ही स्मूथ बन के रेडी होगा। तो हमारा डो परफेक्ट बन गया। इसको बाउल में हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। ध्यान रखिए डो आपका गीला नहीं होना चाहिए, थोड़ा टाइट ही होना चाहिए। अब हम कढ़ाई पे डालेंगे 1 कप दूध, उसमें हम नारियल के बुरादा को डाल देंगे। डालने के बाद उसके हम ऐड करेंगे चीनी, चीनी 3 से 4 बड़े चम्मच लिया है। फिर मैंने यहाँ पर 4 से 5 बड़े चम्मच खोआ ऐड किया है। अब सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिलाएँगे, ड्राई फ्रूट भी डाल देंगे जो हमने कट कर लिया, जो चाहे डाल सकते, इसको ड्राई होने तक फ्राई कर लेना है। तो देखो हमारा जो स्टफिंग है बन के बिल्कुल रेडी है। इधर हमारा आटा भी सेट है। अब थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हम आटा ले लेंगे और एक बॉल की तरह हम बना लेंगे, और फिर इस तरीके से पेड़े का शेप दे देंगे, और बीच में थोड़ा सा जो जगह बनाएंगे उससे हम स्टफिंग को रखेंगे और चारों ओर से बहुत अच्छे से इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद फटाफट से सारे गोले को हम बना लेंगे इस तरीके से। गाइस, आप इस रक्षाबंधन में ये एक बार ट्राई ज़रूर करना, एकदम नया मिठाई रेसिपी है, और ये खाने के बाद तो आपके भाई सब खुश हो जाएंगे। अब फटाफट सब इसे हम डाल देंगे कढ़ाई पे तेल। तेल गरम होने के बाद फिर एक एक करके सारे बॉल्स को हम डाल देंगे। ध्यान रखिए फ्राई आप लो टू मीडियम फ्लेम पे ही करें, हाई फ्लेम पे करेंगे तो अंदर आपका पकेगा नहीं, ऊपर से पक जाएगा और फिर अंदर कच्चा रहेगा। तो ध्यान रखिए धीमी आंच पे ही पकाए। अब सारे बॉल्स को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे, चार ओर घुमा घुमा के बहुत अच्छे से। देखो हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो गया। चलो इसको फटाफट से प्लेट में निकाल लेते हैं, फिर हम आपको तोड़ के दिखाते हैं इसका अंदर का जो मटेरियल है ना गाइस, ये अब जितने बाइट आप खाओगे उतने बाइट में बस वाह वाह ही निकलेगा कि क्या मैंने बना के खाया, बहुत ही स्वादिष्ट है। वीडियो अच्छी लगता है प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, छोटा सा ब्लॉग के साथ एक यूनिक सा रेसिपी लेके।